नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टॉप न्यूज। इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हरदोई। बहेंद्र कला में खंड विकास अधिकारी ने एक गौशाला भूमि का पूजन। हरदोई जनपद की तहसील संडीला क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड बहेंद्र क्षेत्र की ग्राम सभा बहेंद्र कला में पश्चर की जमीन पर खंड विकास अधिकारी पीएन यादव ने गौशाला की भूमि का पूजन किया। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि किसानों की समस्या को देखते हुए, उनकी फसल का नुकसान देखते हुए गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। जो गोवंश गाय इधर उधर घूम रहे हैं, उनको गौशाला में रोका जाए। इसके अलावा अगर किसी भी गाय गोवंश छुट्टा मिला तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। हरदोई से ब्यूरो चीफ नरेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। सर, आप हमें ये बताएं कि ये कितने बीघे जमीन है और इस पे जैसा कि निर्माण का काम है जो चल रहा है, और इस पे अवैध कब्जे भी बीच में रहे हैं, तो इनको खाली करवाया गया है। तो ऐसे और भी अन्य जमीनें यहाँ बहेंद्र में पड़ी हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो इस विषय में सर थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? छानबीन चल रही है जी। जैसे जानकारी में आएंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। सर, ये जो गौशाला है जिसपे निर्माण किया जा रहा है, ये कितने बीघे जमीन है? ये 12.005 हेक्टेयर। हेलो बीडियो साहब, ये आप हमें बताइए, आज जैसा कि बहेंद्र काशिमपुर में भूमि पूजन किया गया, तो कितने बीघे ये जमीन है और इस पर क्या कार्य होने जा रहा है, और आप क्या चाहते हैं, जनता से अपेक्षा क्या कर रहे हैं? यह जो निराश्रित गोवंश हैं और जो किसानों की एक समस्या है कि वो निराश्रित गोवंश उनके फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, शासन ने यह निर्णय लिया कि इन पशुओं का एक अस्थायी आश्रय स्थल का निर्माण हो, जहाँ पर हमारी चारागाह या गोचर की भूमि या परती बंजर की भूमि है उस पर निर्माण कराया जाए। इन पशुओं के लिए बाड़े का निर्माण और चरही, पानी पीने का और तालाब इत्यादि का विकास किया जाएगा यहाँ पर। और जब तक कि इसमें और पशु जो गाय हैं, बछिया हैं, जो लोग जानबूझ के छोड़े हैं, ये भी प्रयास होगा कि उनको जिन किसानों छोड़ा वो अपने वहाँ बांध लें। अगर नहीं बांधते हैं, अगर हम लोगों को पता चलता है तो उन पर जुर्माना फाइन किया जाएगा और पुलिस को भी संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कहा जाएगा। और जो पशु उसके बाद भी निराश्रित रहते हैं, वो इस पशु उसमें इस बाड़े में रहेंगे, उनके लिए चारा, भूसा, पानी की व्यवस्था, छाई की व्यवस्था की जाएगी। उसी लिए यह कार्यक्रम आज किया गया, भूमि पूजन किया गया। सर, तो क्या ये हमेशा के लिए व्यवस्था रहेंगी या कुछ दिनों के लिए ही? ऐसा होते हैं कि योजनाएं आती तो हैं लेकिन कुछ दिनों बाद वो कोई ध्यान नहीं दे पाता। नहीं, ऐसा कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, एक हमारे यहाँ जो किसानों, ये पशु जो है किसानों के ही हैं, हमारे ही हैं, तो इन्हीं लोगों ने छोड़ा था। अभी फिलहाल तो हम लोग चिन्हीकरण करके इन पशुओं को यहाँ लाएंगे, लेकिन इसके बाद चिन्हीकरण करेंगे कि ये किसके पशु हैं, वो ले जाएंगे। जो उसके बाद भी निराश्रित रहेंगे उसको यहाँ पर हमेशा के लिए रखा जाएगा। अरे डॉक्टर साहब हैं कि इनके आवारा पशुओं के प्रजनन ज़्यादा ना हो, इसके लिए उनके बंध्याकरण की भी व्यवस्था की जा रही है, और उनका ये जो पशु इसमें रखे जाएंगे उनके दवा टीकाकरण इत्यादि की व्यवस्था पशु विभाग से, पशुपालन विभाग से की गई है। मंगल मांगल्य श्री सर्वार्थ स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शमा शिवा धात्री स्वाहा। सुधा नमोस्तुते नमः स्वाहा। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता।